हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल पैराडाइज कंप्यूटर में। दोस्तों आज एमएस वर्ड में कुछ ऐसे मैजिक सीखने वाले हम, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना और इस फॉर्मेट पेंटर का यूज किस काम में आपके आएगा मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हैं और कंप्यूटर यूजर्स है तो एमएस वर्ड में अगर हमेशा आप काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसका यूज़ कैसे किया जाता है सारा जानकारी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको कोई भी काम अगर एक घंटा है तो उस काम को आप चुटकियों में कर सकते हैं, मिनटों में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं फॉर्मेट पेंटर का जो है कमाल बताने वाला हूँ, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। आप इस ट्रिक को जान जाएंगे तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना सीख जाएंगे और एमएस वर्ड में जो है फास्टली आप काम कर सकते हैं। तो क्या है और कैसे यूज़ करना है चलिए इस वीडियो में हम बताते हैं। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुला हुआ है। यहाँ पर मैंने कुछ पैराग्राफ टाइप करके रख रखे हैं। यहाँ मैंने चार पैराग्राफ टाइप करके रखे हैं और चारों जो है अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है। चारों पैराग्राफ का फॉन्ट अलग है, कलर अलग है, है ना, और साइज अलग है। इस चारों पैराग्राफ का अलग अलग सब फॉर्मेट में दिया गया है। हम चाहते हैं अगर हमको करना है कि बहुत सारा डाटा पेज, बहुत सारा पेज में टाइप करना है और मान लीजिए कि हमारा ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ का जो है पूरा वर्ड जो है, ये पूरा सेंटेंस जो है सेम टू सेम इसी फॉर्मेट का जो पैराग्राफ जो है सेकेंड फॉर्मेट वाला हो जाए। तो ये सेकेंड पैराग्राफ जो हमारा फॉर्मेट है या फर्स्ट के तरह हो जाए, यानी जिस तरह का फॉन्ट फर्स्ट में है उसी फॉन्ट में ये भी होना चाहिए, उसका कलर भी सेम होना चाहिए, उसका साइज भी सेम हो जाना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, मान लीजिए हमको फर्स्ट पैराग्राफ का जो फॉर्मेट है इस सेकेंड पैराग्राफ में लगाना है, ये सिंपली इस फर्स्ट पैराग्राफ को हमको सिलेक्ट कर लेना होगा। फर्स्ट पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली हमको क्या करना है, होम टैब में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर्मेट पेंटर, सिंपली इस फॉर्मेट पेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह जो है आपका डाटा जो इसका फॉर्मेट है क्या होता है वह कॉपी हो जाएगा। अब कॉपी होने के बाद इसको अप्लाई करने के लिए सिंपली आप क्या करना है, सेकेंड पैराग्राफ के पूरे लाइन को आप सिलेक्ट कर देंगे। जितना भी आप सिलेक्ट करेंगे वह फॉर्मेट उतना ही पे अप्लाई होगा। जैसे मैंने जितना सिलेक्ट किया है तो ये फॉर्मेट उतना पे अप्लाई हुआ है। मान लीजिए एक बार करते हैं और फिर से यहाँ जो हमारा चौथा पैराग्राफ, इस फॉर्मेट को मैं लगाना चाहता हूँ इसमें थर्ड पैराग्राफ में, सिंपली इस फॉर्मेट को सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे हम क्लिक कर देंगे। ये हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, कॉपी हो गया है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, थर्ड पैराग्राफ को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ जैसे हम माउस को छोड़ेंगे तो यहाँ आप देखेंगे इसका फॉर्मेट जो है चेंज हो गया है। इस तरह से आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे अपने दोस्तों में शेयर करें।